खेसारी लाल को लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, पर इतना नहीं कि जितना पवन सिंह से करते हैं, क्योंकि उनका इतना खूबसूरत दिख रहे हैं, कौन सा क्रीम लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी मैं एक शूटिंग लोकेशन पर, यहाँ पे मिले हैं रितु पांडे जी। तो नमस्कार पांडे जी, कैसे हैं? नमस्कार सभी को। और यहाँ पे कैसे आना हुआ? यहाँ पे कैसे आना हुआ, शूट है थोड़ा। अच्छा, भोजपुरी गाना का शूटिंग चल रहा है? भोजपुरी सॉन्ग का शूटिंग है। अच्छा, कौन सा गाना का शूटिंग है? अभी तो चला है, शिवानी का है शायद। अच्छा, शिवानी जो है सिंह। हाँ, हाँ शिवानी सिंह। अच्छा, मुझे थोड़ी सी बताइए जानकारी, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कब से हैं? मैं एक साल हो गया। एक साल लगभग? हाँ जी। अच्छा, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में जब आ रहे थे तो क्या आपके घर वाले फैमिली लोग सपोर्ट किए थे या नहीं किए थे? फैमिली का सबका सपोर्ट है। सबका सपोर्ट है? सबका सपोर्ट है। अच्छा, आपको स्टार्टिंग में आते समय घबराहट हुई थी या कि क्या है, कैसा होता है भोजपुरी इंडस्ट्री, क्या काम मिलेगा नहीं मिलेगा, या और भी तरह के लोग अफवाह फैलाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री गंदा है ऐसे वैसा कुछ? अफवाह फैलाते हैं, ये तो अपने पर होता है सब कुछ, ठीक है, और अपने पर मैनेज करना पड़ता है। और मुझे लगा था कि ये सब अच्छा नहीं है, फिर भी एक साल के अंदर ही पता चला कि हाँ ये सब एक अपने आप मैनेज करना पड़ता है सब कुछ, तभी जाके आगे बढ़ते हैं, वरना पता नहीं है इतना, है ना। हाँ। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप किन किन सिंगरों के साथ थोड़ा बहुत काम किए हैं? अभी संगम जी के साथ किया है। अच्छा, संदीप के साथ किया है, उसके बाद कई छोटे मोटे के सबके साथ किया है, बड़े बड़े के साथ तो अभी है, आना बाकी है, अभी तो स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग है, आगे बवाल आएगा। बवाल आएगा, क्यों नहीं। अच्छा, बवाल से याद आ गया, अभी अभी पवन सिंह और खेसारी लाल का एक सॉन्ग आया है। पवन सिंह का सॉन्ग आया है हरी हरी ओढ़नी लाल घाघरा। लाल घाघरा तो मान लीजिए एक दो महीने हो चुका, हरी हरी ओढ़नी। और खेसारी लाल का सॉन्ग आया है तबला। हाँ जी, आपने सुना है? सुना है। अच्छा, रील्स बनाया है? रील्स बनाया है। आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है? इंस्टाग्राम आईडी है एक्टर रितु रानी। एक्टर रितु रानी। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा आपको कौन पसंद है? मेरे को सबसे अच्छा और सबसे ईमानदार लगते हैं पवन सिंह। अच्छा, पवन सिंह। हाँ जी, मैं उनको बहुत मानती हूँ, दिल से भी मानती हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके दिल में पवन सिंह जी का जगह है? एकदम जगह है, क्यों नहीं। यानी कि पवन सिंह जी तक अगर ये बातें पहुंच रही है, उनके लोग जो क्लोज है उनसे अगर बातें पहुंच रही है, तो प्लीज़ इनको भी काम दिया जाए, है ना। हाँ जी, एकदम जरूर, मौका मिलेगा तो नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, भोजपुरी में आपको जब फ्री टाइम में आप घर पे रहते हैं, हाँ जी, तो कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? थोड़ा सा एक लाइन। एक लाइन सॉरी, मैं सॉन्ग नहीं करती। सॉन्ग नहीं करते हैं? अच्छा, खेसारी लाल को लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, पर इतना नहीं कि जितना पवन सिंह से करते हैं, क्योंकि उनका अच्छा लगता है सब कुछ, तो खेसारी के भी अच्छा लगता है, ये नहीं कि अच्छा नहीं लगता। अच्छा। अगर मौका मिले तो उनके साथ भी करेंगे काम, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करेंगे। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह को पावर स्टार कहा जाता है। हाँ, पावर स्टार नाम है ना। यस, नाम ही ब्रांड है। नाम ही ब्रांड है। यस। अच्छा, ये बताइए थोड़ी सी, आपके पढ़ाई कहाँ तक हुआ है? मेरा अभी 10 हुआ है, उत्तर नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सपना था, सपना पे आ गई। अच्छा, सपना पे आ गए। हाँ जी। आगे क्या कुछ सोचे हैं? आगे इससे भी अच्छा बनूं और इससे भी अच्छा करूं, सबको पब्लिक को अच्छा लगे, बस यही चाहती हूं, सब लोग प्यार दें मेरे को बस। हाँ। अच्छा, गाना कुछ याद नहीं है? हाँ जी, नहीं है। सैड सॉन्ग सुना जाता है, बट ईयरफोन लगा के इतना याद नहीं होता है। अच्छा अच्छा, चलिए आपसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल। हाँ जी। इतना खूबसूरत दिख रहे हैं, कौन सा क्रीम लगाते हैं? मेरे को शर्मिंदा कर रहे हैं आप। शर्मिंदा नहीं कर रही, मान लीजिए जो गर्ल्स लोग देख रहे हैं उनको भी तो चाहिए आपके जैसा निखार, आपके जैसा चेहरा ग्लो करे उनका भी। नहीं, इतना सुंदर नहीं है। नहीं, रियल में है जी? रियल से आप इतना दिख ही रहे हैं कि मतलब क्या बताएं हम। अच्छा, झूलवा झूल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ जी, एकदम अच्छा लग रहा है। अच्छा, दबाव नहीं है घर से ना? नहीं, कोई दबाव नहीं है, खूब फुल सपोर्ट है, मम्मी पापा भाई बहन। अच्छा, घर वाले तो मान लीजिए सपोर्ट कर दिए? हाँ जी। अगल बगल गांव वाले या? गांव वाले मेरे को बहुत प्यार करते हैं और दुआ करते हैं कि रितु आगे बढ़े, है ना। हाँ जी, चलिए ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप हमारे चैनल के बारे में कुछ बोल दीजिए। ओके, तो इनको बहुत अच्छा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, बहुत आगे से आगे वीडियो फैला दीजिएगा, और बस यही कहना चाहती हूँ। चलिए ठीक है, तो दोस्तों ये थे रितु जी, तो इनको आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।